डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों हमने एक मिशन शुरू किया हुआ कि आपके अंदर जो DI का डर है ना, उसको हमें खत्म करना जड़ से। देखिए हमारे मन में एक हवा बना हुआ कि हम DI के क्वेश्चन नहीं कर सकते, बट दोस्तों मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारे सभी वीडियोस देखते हैं DI की, तो आपके अंदर जो DI का डर है ना, वो बिल्कुल से खत्म हो जाएगा। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें डर लगने लगता है और हम सोचते हैं यार ये तो पता नहीं कैसे होंगे, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट हम देख के डेटा देख के घबराने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वीडियोस देखिए, आपका पूरा का पूरा DI का डर खत्म हो जाएगा। और इसी कड़ी के अंदर दोस्तों आज हम 25 सितंबर 2020 में DI के जो क्वेश्चन आए उनको सोल्व करके देखेंगे कि किस तरह से उन सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। और अब भी देखिए कितने आसान क्वेश्चन आते हैं हमारे, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो बिल्कुल ईजिली DI के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम यही देखने वाले हैं कि किस तरह से 2020 में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों NTA UGC NET एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के ट्यूशन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे ट्यूशन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के ट्यूशन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के ट्यूशन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर एक करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये हमारा आया हुआ है एग्जाम के अंदर। देखिए DI का जो भी क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हमें उसकी स्टेटमेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें क्या दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अंदर वो हमें पता होना चाहिए। उसको हम थोड़ा सा समझते हैं क्या है। ये देखिए ये यहाँ पे है ईयर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, और यहाँ पे जो सैलरी है वो दी हुई है, और एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, लाखों के अंदर ये दिया हुआ है। सैलरी ऑफ स्टाफ, सैलरी कितनी है स्टाफ की, ये 288 लाख है, ये सभी लाख के अंदर दी हुई है। ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कितना होता है किसी कंपनी के अंदर, वो इतना होता है। उसके बाद में बोनस कितना दिया जाता है, इतना दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्सेस कितना है, ये है हमारा। अब हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर एक है, क्वेश्चन नंबर एक में इन्होंने क्या कहा है वो हम पढ़ते हैं। What is the average amount of interest per year that institute had to pay? यानी कि एवरेज निकालनी हमें किसके ऊपर निकालनी है, इंटरेस्ट पे हमें निकालनी है। एवरेज किसके निकालनी है, इंटरेस्ट की हमें निकालनी है। दोबारा से इसको आप पढ़ लीजिए, What is the average amount of interest per year that the institute had to pay? यानी कि इंटरेस्ट पे हर साल एवरेज कितनी अमाउंट देनी पड़ती है इंस्टीट्यूट को। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट ये दिया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट कितना लग रहा है हर, देखिए 2015 में कितना लगा, 23.4 लाख लगा। इसी तरीके से हर ईयर का यहाँ पे दिया हुआ है, तो बिल्कुल इजीली इसको कर सकते हैं ना। इसमें देखिए इन सभी को हम प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 5 करेंगे, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ना हमारा ये। और चलिए मैं आपको एक सॉल्यूशन भी दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन का। यहाँ पे ये देखिए सॉल्यूशन है, एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, सम ऑफ टोटल इंटरेस्ट नंबर में डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। अब देखिए टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ हमारा, इसको हम प्लस करेंगे, इन सभी को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे, तो ये कितना गया 183.3, और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 33.66 हमारा आंसर आ जाएगा। और ये आंसर किस में दिया हुआ दोस्तों, ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल इजीली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों कि किस तरह से करना है ये, तो ये समझिए आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारा वहीं पर हो गया। लेकिन DI के अंदर हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय इंस्टीट्यूट। ये देखिए टोटल अमाउंट
किस पे? टोटल अमाउंट ऑफ बोनस, ये देखिए बोनस कहाँ पे हमारा ये है, टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज। अब देखिए परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब देखिए सैलरी पेड कहाँ पे है हमारे पास, सैलरी पेड ये है, ठीक है। अब ये देखिए टोटल ये निकालेंगे, बोनस ये है, इसको हम प्लस करेंगे, फिर इसको प्लस हम करेंगे, ठीक है। इसको प्लस करके इसका जो परसेंटेज है वो हम निकालेंगे, सैलरी के साथ में परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजीली आप बिल्कुल आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम दोनों का हमें क्या करना है, प्लस करना है, टोटल करना है, फिर हमें बोनस का परसेंटेज निकालना है, सैलरी के साथ निकालना है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ऐसे देखने में काफ़ी मुश्किल लगता है ये, चलिए कोई नहीं, मैं किस लिए बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ आपको करवा के दिखाऊंगा। टोटल अमाउंट बोनस पेड बाय द कंपनी, अब ये देखिए इसको 3 जमा 2.52 ये हो गया, और 3.84 हो गया, 3.68 हो गया, 3.96 हो गया, इन सभी को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या है, इसका टोटल होगा, टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी बोनस में, 17 लाख हो जाएगी। फिर टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी पेड बाय द कंपनी, अब देखिए इसको हम प्लस में करेंगे, इसको प्लस करेंगे, 288 प्लस में 342, 324, इन सभी को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1710 आ जाएगा। अब देखिए अब हमें क्या निकालना है, बोनस का परसेंटेज निकालना है, किसके साथ, सैलरी के साथ हमारा निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे हम, 17/1710 और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे करेंगे इसको, और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.994, और ये अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है, ये अप्रोक्सीमेट हमारा है 1% के बराबर है ये हमारा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है जी। आपको प्रैक्टिस करके जरूर देखनी है दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, और वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, हाँ जी करें ना प्रैक्टिस जी, वेरी गुड शाबाश। चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हुए क्वेश्चन नंबर 33, इसके अंदर क्या है, टोटल एक्सपेंडेंस यानी कि टोटल जो खर्चा हो रहा है हमारा ऑफ ऑल दीज आइटम इन 2015 के अंदर जो हमारा टोटल खर्चा हुआ है, चाहे वो सैलरी पे हो, चाहे ट्रांसपोर्ट पे हो, चाहे बोनस पे हो, किसी पे भी हो, 2015 में ये देखिए ये सारा का सारा आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा 2015, ठीक है। वाज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2019, अब देखिए 2019 के अंदर जो एक्सपेंडिचर हुआ है और 2015 में हुआ है उनका हमें क्या निकालना है, उसका हमें परसेंटेज निकालना है, 2015 का परसेंटेज निकालना है 2018 के साथ में। इसका हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे टोटल को, और फिर इसको टोटल करेंगे, फिर इसका हम परसेंटेज निकाल लेंगे, है ना, बिल्कुल ईजी। मैं करवा रहा हूँ तो कितने आसान लग रहे हैं ना क्वेश्चन, रियल में आसान होते हैं यार। अब आप थोड़ा सा करके देखिए, समझ के देखिए, आपको बिल्कुल इजीली क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम सोल्व करके देखते हैं, सोल्व कैसे करेंगे इसको। ये देखिए ये मैंने आपको बताया था कि 2015 में जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है हमारा, 288 प्लस 98 प्लस 3, ये सभी को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 495.4 लाख ये हमारा टोटल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में टोटल एक्सपेंडिचर इन 2019, 2019 में जो एक्सपेंडिचर हुआ है, अब ये देखिए इस सभी को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज क्या निकालना है, 2015 का 2019 के साथ परसेंटेज निकालना है। तो 2015 का ऊपर रखेंगे, 2019 का नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए कितना आ गया, 84.63 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर किसके अंदर है, ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए में, इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। और कई बार देखिए, अगर दोस्तों कई बार आपका आंसर जैसे यहाँ पे 84.63 दिया, आपका मान के चलिए आपका आंसर आ रहा है 83% आ रहा है, 83% आ रहा है, तो आप किस में आंसर लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए पे आंसर लगा देंगे, इस पे टिक कर देंगे आप, ठीक है। तो डीआई के अंदर क्या है कि थोड़ा सा हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं, कई बार क्या होता है कि डेटा जब कैलकुलेशन करते हैं तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो कोई बात नहीं, उसके नज़दीक जो भी आंसर है वो आंसर आप लगा सकते हैं जी। चलिए आगे हम क्वेश्चन करते हैं भाई, आगे क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के
2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiz.net ज़रूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं तो हमारी वेबसाइट nimiz.net ज़रूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। हमारा क्वेश्चन नंबर 34, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इसके अंदर इन्होंने क्या दिया हुआ है, द टोटल एक्सपेंडिचर इफ द इंस्टीट्यूशन ऑन दीज आइटम ड्यूरिंग 2017। ये देखिए इसमें क्या कहा गया है, टोटल एक्सपेंडिचर पूछा हुआ है इन्होंने, किसमें पूछा हुआ है, 2017 के अंदर पूछा हुआ है, 2017 ये है, ठीक है, 2017 का प्लस कर लीजिए, इन सभी का हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है, टोटल एक्सपेंडिचर इफ द इंस्टीट्यूशन ऑन दीज आइटम ड्यूरिंग द ईयर 2017, इसमें हमें पूछा हुआ है, तो इसका हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसका हम राइट आंसर देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारा सॉल्व होगा। बिल्कुल ईजी है, जो मैंने बताया आपको वही है, टोटल एक्सपेंडिचर इन 2017, 2017 ये है हमारा, इन सभी को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, इन सभी की अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 544.44 लाख, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए यार कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जैसे ही डीआई का क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर, बस हवा हो जाता हमारे अंदर, हाय डीआई आ गया, डीआई आ गया, डीआई नहीं एक भूत आ गया ऐसे लगने लगता है हमें, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डरना नहीं है, आप एटलीस्ट मेरे कहने से एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन को पढ़ के जरूर देखना, पांच के पांच क्वेश्चन है ना, पांचों को एक बार पढ़ना जरूर, उसके अंदर इजी क्वेश्चन आपको, दो क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल इजी क्वेश्चन मिलेंगे। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन था हमारा, ये कितना इजी क्वेश्चन है, 2020 में आया है, कोई पहले का नहीं बता रहा मैं कि 2010 में आया है, 2012 में नहीं, 2020 में आया है, लेटेस्ट जो हमारा एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप मेरे कहने पे एक बार डीआई के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आप पढ़ के जरूर देखना, आए ना आए वो एक अलग चीज है, बट पढ़ के जरूर देखना, कोशिश जरूर करके देखना आप, ठीक है। और मेरे को उम्मीद है कि आपको पांच में से कम दो से तीन क्वेश्चन तो एक्यूरेट आ ही जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों का नेट और जेआर हो जाएगा, आप मेहनत करेंगे तो। जी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, इसके अंदर क्या है, द रेशो बिटवीन द एक्सपेंडिचर। अब देखिए रेशो, रेशो वाला एक क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, और हमारे क्या क्वेश्चन आते हैं, देखिए एक तो हमारा आता है एवरेज निकालना आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है हमारा एवरेज निकालने का, दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा रेशो का आता है, दूसरा क्या आता है हमारा रेशो का आता है, तीसरा जो क्वेश्चन है वो आता है परसेंटेज का आता है, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है हमारा परसेंटेज का आता है। ये तीन क्वेश्चन तो आपको डीआई के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी भी तरह की डीआई हो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जी चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर, द रेशो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्स फॉर द ईयर 2016 2018। अब देखिए रेशो निकालना है, क्या निकालना है, रेशो निकालना है किन किन के बीच में निकालना है, 2016 और 2018 में, और किसके ऊपर, टैक्सीज के ऊपर निकालना है, टैक्स, टैक्स क्या कहा है, ये है हमारा। अब देखिए 2016 क्या है हमारा, ये है, इसमें क्या है 108, और फिर 2018, 18 में कितना है 88, तो 108 का रेशो निकालेंगे हम 88 के साथ, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल इजी है। तो देखिए यार कितने इजी क्वेश्चन है हमारे, कितने इजी क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आ रहे हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए 108 और 88, इन दोनों का हम रेशो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 27:22 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए इसके अंदर दो क्वेश्चन हमारे कितने इजी क्वेश्चन आए ना हमारे, चलिए मैं मानता हूँ कई दोस्तों का जो काम दिमाग कम काम करता है, कोई बात नहीं, बट इस तरह के क्वेश्चन तो यार कोई भी कर सकता है ना, कितने इजी है यार, कितने इजी है ना। जी चलिए सभी दोस्त कमेंट बॉक्स के अंदर आप मेरे को जरूर 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 बताना कि क्या इस तरह के आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आए तो कर सकते हैं ना आप। जी हाँ, तो मेहनत कीजिए आप सभी दोस्त, और जितने भी क्वेश्चन है वो कीजिए, करके देखिए आप डीआई के, और आप सभी दोस्त मेरे को जरूर बताना कि क्या आपको हमारी वीडियो से फायदा हो रहा है, क्या हमें ऐसे ही और वीडियोस बनानी चाहिए,
अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर बताना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल निमेजी नेट प्रो सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल निमेजी नेट प्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। और हाँ इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारी ऐप निमेजी नेट डाउनलोड नहीं किए तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे, 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आज तक टीचिंग के जो क्वेश्चन है वो अलग है, रिसर्च के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, डीआई के अलग है, सभी क्वेश्चन सभी शिफ्ट के आपको अलग अलग मिलेंगे, विद आंसर मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, ठीक है। तो इतना कुछ आपको मिल रहा है यार, फ्री में ऐप डाउनलोड हो रही है, डाउनलोड कीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है? नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2020 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू।